एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज पॉवर्टी। करंटली हम अपना चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली स्ट्राटा इज डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड जिसका मीनिंग होता है लेयर्स। तो सोसाइटी आपकी लेयर्स में डिवाइडेड है, और यहाँ पे भी आपको बात याद रखनी है कि जो डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटीज में, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। जब आप इन डिफरेंसेस को क्या करना शुरू हो जाते हो, आप इनको इवेलुएट करते हो एंड अकॉर्डिंगली इनको रैंकिंग दे देते हो इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी। ऐसे में इनइक्वालिटी सोसाइटी में जो होती है वो प्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो बोलता है सोसाइटी लेयर्स में डिवाइडेड है और जो लेयर्स हैं ये आपस में अनइक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया है। तो पॉवर्टी हम देखते हैं, पॉवर्टी आपने जो है इसको इकोनॉमिक टर्म्स में भी देखा होगा पॉवर्टी को, और सोशोलॉजिकली भी हम पॉवर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में पॉवर्टी को देखो तो लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आप फॉर एग्जाम्पल कोई एक एब्सोल्यूट टर्म लेके आओगे कि जो लोग ₹150 पर डे से कम कमाते हैं वो पॉवर्टी वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। या आप क्या, ये आपका इकोनॉमी वाला डेफिनेशन हो गया। लेकिन जब आप सोशियोलॉजिकली पॉवर्टी को देखते हो तो आप मल्टीपल डायमेंशंस ऑब्जर्व करते हो ह्यूमन वेलबींग के, कि आप सोशली शायद बाकियों से पीछे हो, आप कल्चरली बाकियों से पीछे हो। तो ये सारी चीजें जो है मिला के सोशियोलॉजी आपको बोलती है पॉवर्टी एक सोशल जो है प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम है। इसको हम लैक ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, इसके अगर आप एक जेनरिक से डेफिनेशन देखो, जो वो मटेरियल रिसोर्सेज जो इंसान को चाहिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बिताने के लिए, एटलीस्ट आपको 2 वक्त की रोटी मिले। अब वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो कल्चर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, वो कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे 150 पर डे है, हो सकता है कहीं और पे कुछ कोई और अमाउंट जो है वो होना चाहिए, इसीलिए इस पे कंसेंसस नहीं है, ठीक है, पॉवर्टी की डेफिनेशन पे। लेकिन जो टर्म है मैं आपको हाइपोथेटिकल बोल रही हूँ, एक्चुअली में एक अग्रीड टर्म है जो पॉवर्टी को डिफाइन करता है एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। जो पॉवर्टी है ये इट इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल डेप्रिवेशन, ठीक है। तो बाकी सिंपल सी बातें, यू कैन गो थ्रू दिस। पॉवर्टी इज प्रोनाउंस डेप्रिवेशन इन वेलबींग एंड कंप्राइज ऑफ मेनी डायमेंशन। इसमें लो इनकम भी आ जाती है, इनएबिलिटी टू एक्वायर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल विद डिग्निटी, आपको 2 वक्त की एटलीस्ट रोटी जो है भी डिग्निटी आपको कमा सको। इसमें 2 ब्रॉड व्यूज हैं पॉवर्टी के, एक तो आपको सोशियोलॉजिस्ट का मिलेगा एंड एक आपको इकोनॉमिस्ट का मिलेगा। सोशियोलॉजिस्ट मल्टीपल डायमेंशन देखेगा which are taking into consideration many aspects of human well-being जो society से related होगी, and economics क्या देखेगा, lack of economic resources, ठीक है, जो इंसान के लिए hardship create कर सकते हैं। A sociologist views poverty within the framework of social problems और concern करता है himself with the causes and the effects of poverty, ठीक है, ये sociologist का concern होता है। Poverty को आप absolute terms में भी देख सकते हो, relative terms में भी देख सकते हो। एब्सोल्यूट टर्म्स में इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए बेंचमार्क, जो मैंने अभी आपको बोला, लाइक पर कैपिटा इनकम इन एब्सोल्यूट टर्म। पर कैपिटा इनकम मींस ए पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम इन एब्सोल्यूट टर्म्स वो कितनी है, एक ग्लोबल पैरामीटर डिसाइड किया हुआ है, दैट इज $1.25 पर डे। इससे नीचे जो भी कमाएगा वो पॉवर्टी वाली इसमें आ जाएगा लाइन में, क्योंकि इतना मिनिमम बेसिक है जो आपको एक लाइफ डिग्निटी के लिए जरूरी है। लेकिन ये आप एब्सोल्यूट डेफिनेशन देख रहे हो, रिलेटिव पॉवर्टी होता है जब आप दूसरे के कंपैरिजन में रिलेटिवली देखते हो आप कितना पीछे हो, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी ऑन द अदर हैंड आर्ग्यूज दैट पॉवर्टी इज कल्चरली डिफाइंड एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, कि रिलेटिवली आप कितना पीछे हो। जहाँ भी रिलेटिव टर्म आता है ना, तो वहां पे आप कंपेयर करते हो कि कंपेरेटिवली आप कितना पीछे हो किसी से, ठीक है। तो ये भी एक व्यू है पॉवर्टी का। Peter Townsend was one of the pioneers of defining poverty in terms of relative deprivation, which was backed by his extensive field studies. Other measures like calorie approach भी है कि आपको दिन के लिए एक particular calorie जो है वो इंसान खाना चाहिए उतनी calories, जिसको calorie count नहीं मिल रहा है वो भी एक poor category में belong करता है। अब देखते हैं, देखो dependency culture क्या होता है, neoliberal perspective है, basically social welfare का एक सिस्टम है, आप बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में सोशल वेलफेयर स्कीम्स, गरीबों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो लेके आते हैं ताकि उनको एनकरेज कर सके, वो एनकरेजमेंट उनको मिले टू स्टे ऑन द जो स्टेट स्पॉन्सर्ड बेनिफिट्स हैं वो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे मिड डे मील स्कीम ले आए, या कोई और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ऐसे जो एक पुअर या बीपीएल के लिए कोई स्कीम्स ले आए हैं पर्टिकुलर स्कीम्स,
जो एक पुअर तबके को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो इन स्कीम से बेनिफिट हो सके। लेकिन इसका एक क्रिटिक भी डेवलप हो गया, जिन्होंने कहा कि लोगों में ये एक डिपेंडेंसी कल्चर जो बन रहा है, लोग अब जानबूझ के जो है वो स्टेट पे डिपेंड हो रहे हैं और वो काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द क्रिटिक्स ऑफ दिस व्यू पॉइंट अज्यूम दैट पीपल मेक रैशनल कैलकुलेशंस फॉर देम फाइंडिंग ए वर्क विच रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स एंड प्रोवाइड्स लेस रिटर्न्स, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से भी मिल रहा है, ठीक है, उनको स्कीम्स के थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो दे मे वो उतना काम नहीं करते हैं, ज्यादा एफर्ट्स दे डोंट वांट टू पुट बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन दे आर इन अ लॉस मेकिंग प्रपोजिशन एंड हेंस दे कंटिन्यू टू हैंग ऑन स्टेट डोल्स। तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं, ठीक है। डिपेंडेंसी कल्चर में अराइज आउट ऑफ अ डिजायर टू रिड्यूस रिलेटिव पॉवर्टी को कम कर सकते हैं डिपेंडेंसी कल्चर, क्योंकि अगर एक ग्रुप है जिसको जिसके पास पैसा ठीक ठाक है और अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी जी रहा है, तो आप दूसरे ग्रुप को क्या करोगे, उसको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू अपलिफ्ट करने की कोशिश करोगे। तो ग्रुप ए के कहीं ना कहीं आप इक्विवेलेंट आने की कोशिश करोगे, तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है उससे आप कम कर सकते हो, ठीक है। और थ्रू मीन्स टेस्टेड बेनिफिट्स एंड अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, मीन्स रिच को ज्यादा टैक्स करो, पुअर को कम टैक्स करो, ठीक है। ये भी पार्ट ऑफ इसी डिपेंडेंसी कल्चर का होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। कहाँ पहुंचे थे हम, डिस्पाइट वेरियस अप्रोचेस द वन इज दिस वन इज कॉमनली अग्रीड दैट पॉवर्टी इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉजेस ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड करना, सोशल पार्टिसिपेशन से किसी को अलग करना पॉवर्टी का एक वन ऑफ द मेन कॉज हो सकता है, ये एक जनरली अग्रीड व्यू पॉइंट है। ये लीड करता है टू मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज एंड हेंस फॉर्म्स मल्टीपल एंड हेंस मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन। ये सब किससे हो जाता है, पॉवर्टी से। अब मेजर थियोरीज जिन्होंने पॉवर्टी को कुछ डिस्क्राइब किया है, अब देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट पॉवर्टी को लेके। ब्लेम द पुअर व्यू एंड ब्लेम द सिस्टम व्यू, जैसे नाम से ही क्लियर है, ब्लेम द पुअर व्यू। वो क्या बोलेगा, जो गरीब है उसके वो उसके पास लैक ऑफ स्किल्स हैं, मतलब उसके पास वो इनकेपेबल है, उसके पास वो टैलेंट ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, वो कैपेबिलिटी पोटेंशियल नहीं है कि वो कुछ कर सके लाइफ में, ठीक है, इसीलिए वो पुअर है। तो ये ब्लेम कर रहा है पुअर को ही। ब्लेम द सिस्टम व्यू कह रहा है कि उसके पास क्यों स्किल्स नहीं है, चलो माना उनके पास स्किल्स नहीं है जो पॉवर्टी को बिलोंग करते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है क्योंकि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। इस वजह से जो इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटीज में वो प्रेजेंट है और उन्हीं इनइक्वालिटीज के चलते वो कोई भी स्किल एक्वायर नहीं कर पाता है और बाद में वो गरीब ही रह जाता है, ठीक है। वाइल द ब्लेम द पुअर व्यू आइडेंटिफाइज दैट अ पुअर इज पुअर ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स कॉम्पिटेंसी एंड अनविलिंगनेस टू एंटर द लेबर मार्केट, इनको काम ही नहीं करना है। जो स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव है जो ब्लेम द सिस्टम व्यू में आता है, वो आस्क दे आस्क दैट व्हाई पुअर पर्सन हैज लो स्किल एंड कॉम्पिटेंसी, क्यों है ऐसा, क्योंकि उसमें कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जो उसको पीछे खींचते हैं, लाइक क्लास, कास्ट, जेंडर, एथनिसिटी, एजुकेशन बैकग्राउंड, हेल्थ एक्सेस, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच लीड टू डिफरेंशियल एक्सेस टू रिसोर्स एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है। ये आपका हो गया ब्लेम द सिस्टम एंड ब्लेम द पुअर व्यू। अब कल्चरल पर्सपेक्टिव, ये हमें दिया था कल्चर ऑफ पॉवर्टी टर्म, ये पॉपुलराइज हुई थी यूएस में 1950s में और की थी ऑस्कर लेविस ने, उसने मैक्सिकन सिटीज में स्टडी किया था और बाद में हमें टर्म दिया था। इन्होंने कहा था जो पॉवर्टी है ये किसी इंडिविजुअल की शॉर्टकमिंग से रिलेटेड नहीं है, ये एक लार्जर सोशल एटमोसफेयर से रिलेटेड है जिसमें बच्चे सोशलाइज हुए होते हैं। दैट मीन्स उनका कल्चर ही ऐसा होता है, उनकी सोशलाइजेशन ही उस तरीके की हुई होती है कि वो गरीब कल्चर में पैदा होते हैं और बाद में वो चूज भी वही चीज़ें करते हैं कि वो उसी वाले जो कल्चर में है वो रह जाते हैं। इसका उन्होंने एक सब कल्चर भी कहा था। सब कल्चर होता है जो मेन कल्चर के अंदर रह रहा होता है लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स लेके लेकिन उस कल्चर से अलग होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सब कल्चर है उन लोगों का, जैसे जिनको ज़्यादा काम नहीं करना, ठीक है, उनको हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग में रहना है, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। देखो जिसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए वो कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता है ना, बिकॉज यू नो इट माइट टेक ईयर्स, 5 से 6 साल, 7 साल लग जाते हैं कई लोगों को। जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए वो तो यही कहेगा ना, ठीक है सुबह जाऊंगा मजदूरी करूंगा, शाम को 600 रुपये हाथ में होंगे। तो ये एक कल्चर की बात है, एक सब कल्चर की बात है जिसकी वजह से गरीब जो है वो गरीब रह जाता है। अकॉर्डिंग टू कल्चरल पर्सपेक्टिव इन पॉवर्टी, द लोअर क्लासेस इज सीन एज मैनिफेस्टिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड वैल्यूज विच आर कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द डोमिनेंट सोसाइटी एंड कल्चर, एंड इट इज सिमिलर अक्रॉस द कंट्रीज मार्क्ड बाय फीचर्स लाइक फैटलिज्म, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी एंड हेल्पलेसनेस। और ये जो सब कल्चर है ये हेल्प करता है परपेचुएट करने में पॉवर्टी, ठीक है। आप सबको अगर इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, काम नहीं करना है, ठीक है, हेल्पलेसनेस वाले माहौल में रहना है,
उनका जो कल्चर है वो उनको फिर बाद में वो इस चीज को बढ़ावा देगा पॉवर्टी को, क्योंकि वो उन चीजों की तरफ जाएंगे ही नहीं जो उनको पॉवर्टी से बाहर निकाले। ये कल्चरल पर्सपेक्टिव था ऑस्कर लेविस का। पॉवर्टी एज ए पॉजिटिव फीडबैक एंड एज ए विशियस सर्कल, ये कैसे है देखो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, आप अनएम्प्लॉयड हो आप गरीब बन गए पॉवर्टी, अब आप पोअर हो दैट मीन्स यू विल नॉट हैव गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी, गुड एजुकेशन नहीं मिलेगी मीन्स आपको अच्छी जॉब करने के चांसेस कम है, अच्छी जॉब के चांसेस कम है, मेजोरिटी क्या रह जाते हैं अनएम्प्लॉयड। तो ये एक विशेष सर्कल जैसा बनता है, आप इसको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी बोलते हो, कि अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं, अच्छी एजुकेशन नहीं जॉब्स नहीं, जॉब्स नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सर्कल जो है ये चलता जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन थियोरी जो है वो क्या कहती है, द पोअर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन स्कीम इन द सोसाइटी इन विच दे ऑक्यूपाई द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये हमेशा जो पोअर लोग हैं आप पिरामिड के बॉटम में मिलेंगे। डिफरेंट अप्रोचेज डिफाइन दिस स्ट्रेटिफिकेशन डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में भी कहा था कुछ लो मीनियल जॉब्स होती हैं, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो मैनुअल स्केवेंजिंग वगैरह, तो लो मीनियल जॉब्स हैं वो कौन करेगा, उसके लिए भी आपको लोग चाहिए। तो अगर एक है जो पोअर ग्रुप को बिलोंग करते हैं पॉवर्टी रिडन पीपल हैं वो जा सकते हैं लो मीनियल जॉब्स की तरफ, और जो थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे कमाने के चांसेस हैं वो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन ये काम भी होना सोसाइटी में ज़रूरी है, लो मीनियल जॉब्स भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। तो आपको सर्टिफिकेशन से क्या होता है, आपको वो कैटेगरी ऑफ लोग मिल जाते हैं जो, या आपको पॉवर्टी से क्या होता है वो कैटेगरी ऑफ पीपल, यू गेट दोज कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर रेडी टू डू दिस काइंड ऑफ मीनियल जॉब्स। ठीक है, ये फंक्शनलिस्ट का कहना है, मेरा कहना नहीं। दे आर्ग्यू दैट पॉवर्टी परसिस्ट बिकॉज इट इज रिवॉर्डिंग फॉर अ मेजोरिटी ऑफ सेक्शन हु वॉन्ट वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, इट्स एग्जिस्टेंस इंश्योर्स दैट ऑल काइंड ऑफ मीनियल वर्क ऑल्सो गेट डन। हाउएवर जो नॉन फंक्शनल व्यू है ये इस चीज को नहीं मानता है, डिसअग्री करता है इससे, क्योंकि वो कहते हैं कुछ सेक्शन से ओल्डर पीपल माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड फीमेल्स दे आर मोर लाइकली टू विटनेस पॉवर्टी। अगर फंक्शनलिस्ट का ही रीजन होता सिर्फ क्योंकि वो काम करवाना होता तो इन सब ग्रुप्स में पॉवर्टी देखने को नहीं मिलती, बट दे आर मोर लाइकली, इनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है हमें पॉवर्टी देखने की। डायलेक्टिकल अप्रोच, मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं पॉवर्टी इन सोसाइटी कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि जहां भी डायलेक्टिकल या मार्क्सिस्ट की बात होगी, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात होगी, तो हमें ऑटोमेटिकली समझना है कि इकोनॉमी से रिलेटेड इन्हें बोला हो। पॉवर्टी एंड पॉवर थीसिस, रैल्फ मिलिबैंड इन हिज पॉलिटिक्स एंड पॉवर्टी, इन्होंने कहा था जो पोअर हैं दे आर द वीकेस्ट ग्रुप्स इन द स्ट्रगल फॉर स्कार्स रिसोर्सेज, पोअर ऑफन हैव नो बार्गेनिंग पावर्स, लो ट्रेड यूनियन सपोर्ट एक्सेट्रा विच इज एक्सप्लॉयटेड बाई देयर एम्प्लॉयर्स। इस क्योंकि वो वीकेस्ट ग्रुप है, रिसोर्सेज जो है वो कम है, ठीक है, उनके लिए फाइट करने के लिए जो वीकेस्ट ग्रुप है वो पोअर पीपल है, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, बार्गेनिंग पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, लो ट्रेड यूनियन सपोर्ट है, जिसकी वजह से दे आर इजीली एक्सप्लॉयटेड बाय द एम्प्लॉयर्स और वो पोअर रह जाते हैं। फेमिनिस्ट व्यू, ये कहता है कि पॉवर्टी ऑफ वुमेन इज ऑफन हिडन बिहाइंड द स्टडी ऑफ पॉवर्टी एज अ हाउसहोल्ड फिनोमेना। ये तो बोलते हैं ना कि घर की बात है और जो फीमेल है उनके पास कितने पैसे है कि नहीं, उस चीज़ का कोई डेटा ही नहीं ज्यादा बनेगा, और ये चीज़ जो है वो कवर हो जाती है कि घर की जो फीमेल्स हैं वो भी पोअर कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनके पास कमाने के जरिए जो है वो बहुत कम होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट्स जो वुमेन की हैं वो लोअर हैं एज कम्पेयर टू मेन, एंड दे ऑफन लैंड इनटू लो पेड जॉब्स। ठीक है, और ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयज रखते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है तो आगे इनकी शादी होनी है, ये हमारे लिए उतने रिटर्न्स नहीं लेके आ सकते हैं, शादी हो गई फिर प्रेगनेंसी आ गई फिर बच्चे हो गए फिर मेटर्निटी लीव हो गई, तो ये जो ब्रेक्स हैं इनके करियर में आती रहेंगी, इस वजह से भी उनके एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहता है कि जो पॉवर्टी इन द ईस्ट है इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द वेस्ट, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमी का जाल ऐसा उन्हें बनाया हुआ है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो उसमें फंसी हुई है। ठीक है, और उसकी वजह से जो ईस्ट की पॉवर्टी है वो वेस्ट की प्रॉस्पेरिटी की वजह से है। ठीक है, जैसे वो स्लेव ट्रेड वाला टाइम था, या आप देखो ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ जितनी भी कंट्रीज है उसमें, ऑल्दो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी है, बाकी कंट्रीज का हाल देख लो, तो यही है कि उनके अपने उन्हें प्रॉस्पेरिटी के लिए बाकी कंट्रीज को गरीब रखा है। ठीक है, ये हमें वर्ल्ड सिस्टम थियरी आगे पढ़ना है वॉलस्टीन की, वहाँ पे हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि कोर कंट्रीज, पेरिफेरी कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज वगैरह आती हैं, तो ये हमें डिटेल में आगे पढ़ना है।
पॉवर्टी के कल्चरल डायमेंशंस भी हैं। रूथ लिस्टर ने कहा था, वुमेन आर बीइंग ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द पुअर एंड इट इज कॉल्ड फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। कुछ हिडन पॉवर्टी भी हैं, जैसे रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली आर नॉट इक्विटेबली शेयर्ड विद इन द फैमिली ऑल्सो। ठीक है, फैमिली में भी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उस पॉवर्टी को क्या हम बोलेंगे, हिडन पॉवर्टी, क्योंकि सारे मेंबर्स को इक्वल जो रिसोर्स है, शेयर है, वो नहीं मिलता। लोन पर्सन जो हैं, दे लोन पेरेंट्स सॉरी आर एट अ हायर रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू पॉवर्टी। सिमिलरली ये भी हिडन पॉवर्टी में आ गया। सिमिलरली वेरियस स्टडीज ऑन माइनॉरिटी ग्रुप्स अक्रॉस द ग्लोब शो दैट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर ऑल्सो प्रोन टू पॉवर्टी देन द मेजोरिटी ग्रुप्स। इंडिया में किसने दिया था, सचर कमेटी की रिपोर्ट थी जिसने कहा था पॉवर्टी सबसे ज्यादा किन में है, मुस्लिम्स में। फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिका माइनॉरिटी ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू लैंड इन टू अनस्किल्ड जॉब एज कम्पेयर टू वाइट्स। ठीक है, अमेरिका की मैंने आपको इंडिया की एग्जाम्पल भी दे दी। अब जो गुनार मिड्राल है, रिफ्यूट्स न्यू मार्क्सिस्ट थियोरीज एंड इंसेड आर्ग्यूज दैट पॉवर्टी इज ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम एंड लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। इन सब चीज़ों की वजह से भी पॉवर्टी जो है वो हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो आप खुद भी देख सकते हो एक बार ही ये सारा समझ के। यू विल गो थ्रू दिस टॉपिक अगेन, और जो जो पॉइंट्स यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो आप पढ़ लोगे। सम सोशियोलॉजिस्ट असर्ट दैट इन इंडिया पॉवर्टी के एथनिक एंड रिलीजियस डायमेंशंस भी हैं। ठीक है, जो पारसी कम्युनिटी है काफी एफ्लुएंट रिच कम्युनिटी मानी जाती है, लेकिन इस कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके डिमेंडिंग नंबर्स कि काफी ज्यादा ये पॉवर्टी जो है ये पॉपुलेशन की कम हो रही है, क्योंकि ये या तो मैरिज की वजह से कम हो रही है, माइग्रेशन की वजह से कम हो रही है, या ये आपस में ही शादी कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ इनको प्रॉब्लम हो रही है आगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह में। ठीक है, तो इनकी जो लाइन है, इनको इनका क्या मेजरमेंट है पॉवर्टी का, दैट इज मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। दैट मीन्स इनमें से जो 1 लाख रुपए से कम कमाता है उसको पुअर बोलते हैं। तो सोचो आप कितनी प्रॉस्परस होगी ये कम्युनिटी, कितनी एफ्लुएंट कम्युनिटी है ये। पॉवर्टी रेलेवेंस अमंग ट्राइबल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया इज मोर देन 50% एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज ऑफ 32%। ठीक है, नेशनल एवरेज का है 32, ट्राइबल्स का क्या है, सेंट्रल ऑफ सेंट्रल इंडिया इज मोर देन 50। सिमिलरली जस्टिस सचर कमेटी रिपोर्ट ने हाईलाइट किया था इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी अमंग मुस्लिम। अब डिस्पाइट वेरियस थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड द सॉल्यूशंस ऑफर्ड, इट इज अ फैक्ट दैट पॉवर्टी एज अ सोशल प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट। वेलफेयर स्टेट हैज फेल्ड इन इट्स प्रॉमिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इंडिया भी एक वेलफेयर स्टेट है, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट अपने जो प्रोमिसज हैं वो पूरे नहीं कर पाई। तो इसके लिए रेडिकल चेंजेस चाहिए लाइक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि पॉवर्टी को आप कर्ब कर सको। ठीक है, ये हो गया पॉवर्टी का। अब आगे देखते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन होता है जब आप किसी को एक्सक्लूड करते हो सोशल पार्टिसिपेशन पे, सोशल पार्टिसिपेशन से। ठीक है, तो वो एक्सक्लूजन अगर इंडिया के टर्म्स में हम एग्जांपल लेके समझे, कास्ट बेस्ड, जैसे आप लो कास्ट को किसी एक, पहले क्या होता था कि लो कास्ट को किसी एक रोड से जाना मना था, टेम्पल एंट्री उनके लिए बैन थी सो कॉल्ड लो कास्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप उनको एक्सक्लूड करते हो ऐसी पार्टिसिपेशन से, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मल्टीपल डिप्रिवेशन प्रिवेंट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ सोशल एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें डेफिनेशन वगैरह आप देख लेना। इट मीन्स बीइंग लेफ्ट आउट, सो इट कैन बी वॉलंटरीली एंड ऑल्सो ड्यू टू स्ट्रक्चरल रीजन, अपनी मर्जी से भी है, स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से भी, विच इज मोर प्रिवेलेंट एंड कॉमनली अंडरस्टूड फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। According to Mary Daly, the concept is wider than poverty as it talks about not only resource availability but also participation in various social processes. ठीक है, इतना understood है? ये process है by which individuals or household experience multiple deprivations. Multiple deprivations होती हैं, ठीक है? Either of resources या social links to the wider community or society. अब देखो, अगर आप किसी को well से पानी पीने नहीं दे रहे हो, that means वो सिर्फ economy से related आपके नहीं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा जो है वो मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिप्रिवेशनल चीज़ें एक्सक्लूजन में फॉल करेंगी। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड मार्जिनाइजेशन जो है वो टूल्स हैं सोशल एक्सक्लूजन के, कि कैसे आप प्रैक्टिस करते हो सोशल एक्सक्लूजन, आप डिफरेंटली ट्रीट करते हो उनको, उनको सेम अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हो और उनको बिल्कुल एक मार्जिनलाइज करके उनको दबा के रखा हुआ है वैसी वैसे उस ग्रुप के लोगों को। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटल बट सिस्टमैटिक, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी से आता है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि अचानक से हो गया, ये एक वेल फॉर्म्ड प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ है, ग्रेजुअली जो बहुत ज़्यादा
जिसने एक रूट ये शेप ले ली है आपकी सोसाइटी में. इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन पॉवर्टी और इनइक्वालिटी एज इट मे एनकम्पास बोथ. इसमें पॉवर्टी भी फॉल कर सकती है क्योंकि जिनको आप सोशली एक्सक्लूड करोगे तो मेजोरिटी हाई चांस 99% चांसेस हैं वो पोअर भी होंगे और उनके पास अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज भी हों. ठीक है, तो इसमें आपकी पॉवर्टी भी आ जाएगी, इनइक्वालिटी भी आ जाएगी. सोशल एक्सक्लूजन इज इनवॉलेंट्री, दैट इज एक्सक्लूजन इज प्रैक्टिस रिगार्डलेस ऑफ विशेज ऑफ दोज हु आर एक्सक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल रिच पीपल आर नेवर फाउंड स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट्स. ठीक है, उस हिसाब से इन्वॉलेंट्री भी, क्योंकि आपके ना चाहते हुए भी आपको एक्सक्लूड किया जाता है. तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो ना, मैंने कहा था कि इट कैन बी वॉलेंटरीली और ड्यू टू स्ट्रक्चरल रीजंस. ये वॉलेंट्री उनके लिए है जो लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने मर्जी से एक्सक्लूड कर रहे हैं, या तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है उनको कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना पड़ रहा है. और यहाँ पे इनवॉलेंट्री है क्योंकि अपनी मर्जी से कोई तो पेवमेंट पे नहीं सोएगा ना, ठीक है, तो अपनी मर्जी से वो नहीं चाहते कि वो होमलेस रहें, पर कंडीशंस ऐसी हैं कि वो ऐसे रह जाते हैं. ऑल्दो तो वॉलेंट्री भी कोई ग्रुप्स खुद को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स वगैरह. तो इसके हम देखते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी दे प्रमोट एक्सक्लूजन. अगर सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है और इनइक्वालिटी है तो एक्सक्लूजन ऑल ऑब्वियसली प्रमोट हो जाएगी, क्योंकि अगर सोसाइटी डिवाइडेड ही नहीं है लेयर्स में, अनइक्वल लेयर्स में, तो आप किस ग्रुप को एक्सक्लूड करोगे? वो तो फिर इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात हो गई. फाइन, जैसे कि कास्ट सिस्टम में होता है, कास्ट सिस्टम में सोसाइटी जो है ये चार स्ट्राटाज में डिवाइडेड है, तो आपको ईजी हो जाता है आपको किस स्ट्राटा को एक्सक्लूड करना है. इट इज नॉट सेम एज पॉवर्टी, और इसके मल्टीपल डायमेंशन है. वहां देखते हैं, सोशल एक्सक्लूजन में ऑल्सो लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ सोशल राइट्स एंड इरेक्ट बैरियर्स देयर ऑफ विच प्रिवेंट्स एक्सेस टू दीज राइट्स. फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वेल में आप पानी नहीं पीने दो किसी एक कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट को, तो इट लीड्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ देयर सोशल राइट्स. इट मे लीड टू रिसोर्स और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन एज इन केस ऑफ पॉवर्टी. फाइन, जैसे मैंने आपको बोला पॉवर्टी और जो इनइक्वालिटी है ये दोनों किसका पार्ट आते हैं, ये दोनों एक्सक्लूजन के अंदर आ सकते हैं. इट कैन लीड टू लेबर मार्केट एक्सक्लूजन एज इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. आप उनको जॉब्स ही नहीं दो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और हमने देखा भी अनएम्प्लॉयमेंट किस एक ग्रुप में ज्यादा हाई होती है. सर्विस एक्सक्लूजन एज इन केस ऑफ कास्ट सिस्टम, रेशियल सेग्रीगेशन एक्सेट्रा. इवन टूडे अपर कास्ट हिंदूज प्रिवेंट पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट एक्सेस टू सर्विसेज, टू एक्सेस इवन द बेसिक सर्विसेज. ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है, एक ग्रुप के लोग, उनको ब्रिज से नहीं जाने दिया गया था, बिकॉज ये एक बिलीव था कि वो जो सो कॉल्ड अपर कास्ट का ब्रिज है वहां से वो लोग नहीं जा सकते हैं, और उनको एक डेड बॉडी कैरी करनी थी, और फिर उनको नीचे से वो पानी से ट्रैवल करके आना पड़ा था डेड बॉडी लेके. तो ऐसी एग्जाम्पल्स अभी भी हमें देखने को मिलती हैं. एक्सक्लूजन फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम सोशल रिलेशन ऑल्सो, वो भी इसके एग्जाम्पल है. इट कैन ऑल्सो लीड टू एक्सक्लूजन फ्रॉम आइसोलेशन फ्रॉम लार्जर सोसाइटी इट सेल्फ, और एक्सक्लूजन कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इट सेल्फ एज एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन एज इन केस ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटीज. मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में अगर आप किसी कल्चर को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दो तो इट लीड्स टू एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन, कि आप बिल्कुल ही उनको एक लो लेवल पे आके ट्रीट करना शुरू हो जाते हो. आप सोसाइटी से भी खुद को एक्सक्लूड कर लेते हो, या और अपने फैमिली फ्रेंड से भी एक्सक्लूजन जो है उसमें, वो भी सोशल एक्सक्लूजन में इंक्लूडेड है. तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इनइक्वालिटी पॉवर्टी जो है वो इसके अंडर आते हैं, इसका एक पार्ट है. होमलेसनेस जो है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, जैसा बोला गया है अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस, एज इट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस अदर सोशल सर्विसेज. अब जिनके पास घर ही नहीं है, वो फिर बाकी सारी चीजों से भी, बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए जो जरूरी है, जॉब, पैसे वगैरह, कनेक्शन, नेटवर्क, उन सब चीजों से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं. जैसे इंडिया में दलित, ट्राइबल वुमेन वगैरह एंड स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं, दे आर दी वर्स्ट सफरर्स ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन. एलजीबीटी कम्युनिटी को भी एक्सक्लूड किया जाता है बहुत सारे केसेस में, इन पे बहुत स्टडीज भी हुई हैं. जैसे देखा गया था एलजीबीटी स्टूडेंट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे वर सब्जेक्टेड टू एंटी सोशल बिहेवियर्स इवन डेवलप्ड कंट्रीज में, और ये स्टडी की थी रॉफी एंड वेलिंग ने. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और इंसल्टिंग बिहेवियर दे ऑफन प्रोड्यूस अ रिएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ एक्सक्लूडेड, कि अब वो बोलते हैं कि चलो हमें एक्सक्लूड होना ही नहीं है आपके ग्रुप में, सॉरी हमें इंक्लूड होना ही नहीं है आपके ग्रुप में. जैसे दलित कम्युनिटी अपना टेम्पल बना लेते हैं, उनका अपना अलग गॉड है, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है जाओ रखो अपने पास, हमें चाहिए नहीं, हमें इंक्लूड ही, हमें एक्सक्लूड ही रहने दो, हम अपना खुद देख लेंगे. इसको आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो रिट्रीटर्स अकॉर्डिंग टू मर्टन. वो कौन थे, ना जो आपके गोल मानते हैं और ना जो सोसाइटी के डिसाइडेड मींस मानते हैं, उनका दोनों नेगेटिव है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था मर्टन ने.
एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री प्रोटेस्ट मूवमेंट्स वगैरह हुई हैं काफी, कास्ट, जेंडर और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को लेके. वो सारी चीजें जो है वो सोसाइटी में कितनी ज्यादा एक्सक्लूजन है उसी चीज को पॉइंट आउट करती हैं कहीं ना कहीं. फर्दर, सोशल एक्सक्लूजन जो है इट इज नॉट अ फिनोमिनम प्रेवलेंट अमंग द अंडर प्रिविलेज्ड ओनली एंड कैन बी वॉलेंटरली एज वेल. आप किसी को जानबूझ के भी एक्सक्लूड कर सकते हो, एफ्लुएंट में भी कर सकते हो. जैसे अगर वो लोग जो है वो आपकी उस जो हाई सोसाइटी इमेज है उसमें फिट नहीं होते हैं. जैसे एक्सक्लूसिव क्लब्स होते हैं उसमें भी हाई सोसाइटी के ही कुछ प्राइम मेंबर्स जो है वो आ सकते हैं, उनको हम गेटेड कम्युनिटीज भी बोलते हैं. रिलीजियस एंड सोशल आउटकास्टिंग जो है इट इज अ फिनोमेना प्रिविलेंट इन इंडिया विच अप्लाइज टू एफ्लुएंट क्लासेस ऑल्सो वेन दे वॉयलेट नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. तो उनको सोशल आउटकास्टिंग भी हो जाती है या रिलीजियस बेस पे भी उनको आउटकास्ट किया जाता है. ठीक है, ये आपको एफ्लुएंट सेक्शन में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें काफी कम होता है. और जो लोअर तबका है, सो कॉल्ड लो कास्ट है, इनमें काफी ज्यादा आपको हाई लेवल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन देखने को मिलेगी. पीपल मे एक्सक्लूड देमसेल्व्स इन अदर सिचुएशन, मैंने कहा वॉलेंटरली कुछ केसेस में होता है, जैसे डेलिंक्वेंसी, ड्रग एडिक्शन, स्कूल ड्रॉप आउट, एनोमी एंड एस्केपिस्ट मेंटेलिटी. ठीक है, आप डिप्रिवेशन देखते हैं. इसमें आपको एक बड़ी चीज याद रखनी है, पहले डिफरेंस क्या है. एक्सक्लूजन जो है, जहां पे हमने एक्सक्लूजन पढ़ा था वहां पे एक्सक्लूजन फ्रॉम सोशल पार्टिसिपेशन. ठीक है, सोशल पार्टिसिपेशन. और यहाँ पे डिप्रिवेशन क्या होता है, आप किस चीज से डिप्राइव करते हो लोगों को. डिप्रिवेशन इज ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज से लोगों को डिप्राइव करते हो. वो आपको अगर पुराना लेक्चर याद होगा तो हमने एग्जाम्पल दी थी इसमें पेरे बॉडियों की, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आप नेट पे चेक कर सकते हो. ठीक है, इनकी एग्जाम्पल दी थी, इन्होंने आपको चार कैपिटल्स दिए थे, चार रिसोर्सेज आप बोल सकते हो, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और सिम्बॉलिक. ठीक है, इन सारे कैपिटल से अगर आप डिप्राइव कर रहे हो किसी इन लोगों को, ग्रुप को, इंडिविजुअल को, तो वो आपका क्या है, काइंड ऑफ डिप्रिवेशन है. तो अकॉर्डिंग टू पेरे बर्ड्यू इट इज लैक ऑफ एडिक्वेट सोशल, कल्चरल, सिम्बॉलिक एंड इकोनॉमिक कैपिटल. दस डिप्रिवेशन जो है ब्रॉडर फिनोमेना है देन पॉवर्टी. When compared to exclusion, deprivation is of resources and exclusion is from social participation. अब material deprivation जो है वो अलग होती है अलग countries में. यहाँ पे ने EU की बात की, European Union, उनका criteria क्या है कि उन्होंने एक list दी थी 2016 में जिसमें 9 items थे, और कहा था तीन में से 9 items, इन तीन में से, इन 9 में से जो 3 items भी afford नहीं कर पाते हैं वो material deprivation category में fall करते हैं. वो 9 items क्या है, दे आर नॉट एबल टू पे देयर रेंट और मॉर्टगेज और यूटिलिटी बिल्स, टू कीप देयर होम एडुकेटली वार्म, दैट मीन्स वो अप्लायंसेस जो है उनके घर में नहीं है जो घर को वार्म रख सके, टू फेस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, अचानक से बीमार हो जाओ और आपके उस टाइम पैसे नहीं है वो हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए, टू ईट मीट एंड प्रोटीन रेगुलरली, गो ऑन ए हॉलीडे, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, कार, टेलीफोन. तो इन 9 में से अगर 3 चीजें भी आप एफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आप मटीरियल डिप्रिवेशन में फॉल करोगे. वन मे फेस डिप्रिवेशन डिस्पाइट रिलेटिवली इकोनॉमिक गुड कंडीशन. पीपल इन वॉर टॉर्न एरिया जैसे वेस्ट एशिया में एंड अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो सफर फ्रॉम मल्टीपल डिप्रिवेशन, जैसे नॉन एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग वगैरह. तो अगर वॉर्स चल रही हैं, पॉलिटिकली कंडीशन का पॉलिटिकल एटमोसफियर सही नहीं है, फाइन, वो सारी चीजें भी डिप्रिवेशन की तरफ आपको ले जाती है. अगर आप गुड इकोनॉमिक कंडीशन में हो फिर भी आपको डिप्रिवेशन फेस करनी पड़ सकती है. वो डिप्रिवेशन आपके लैक ऑफ एडिक्वेट सोशल कैपिटल की वजह से होती है कि आप सोशल नेटवर्किंग का पार्ट आपको नहीं बनाया जा रहा है, आपको वो उस रिसोर्स में नहीं डाला जा रहा है. यहाँ पे एग्जांपल हम सुशांत सिंह राजपूत की ले सकते हैं, जैसे ऑल्दो वो गुड इकोनॉमिक कंडीशन में थे लेकिन कुछ उस इमेज, हाई सोसाइटी इमेज में शायद अकॉर्डिंग टू बिग स्टॉल वॉट्स ऑफ बॉलीवुड वो फिट नहीं होते थे. इस वजह से उनको सोशली डिप्राइव किया जाता था सोशल कैपिटल से, पार्टीज वगैरह में नहीं बुलाते थे. ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग उनकी सही से नहीं हो पाती थी, तो शायद ये भी एक रीजन था सुसाइड का. आई डोंट नो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है कि सच है, बस ये ऐसा है ना कि अगर बॉलीवुड या ऐसे एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल दो तो बच्चे जल्दी रिलेट कर पाते हैं. कल्चरल नॉर्म्स कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रिवेशन, जैसे इस्लामिक कंट्रीज या ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्कल सोसाइटीज में वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक एजुकेशन एंड अदर सोशल एक्टिविटीज, तो इस वजह से भी डिप्रिवेशन हो जाती है उनकी. सम ट्रेडिशनल सोसाइटीज लाइक इंडिया ऑल्सो हैव रिजिड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लाइक कास्ट विच कैन ऑल्सो लीड टू मल्टीपल डिप्रिवेशन. ठीक है, अब हमारे पास एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन भी हो सकती है, जैसे अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फूड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन एंड हंगर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सोल्यूट डिप्रिवेशन. रॉबर्ट मर्टन ने हमें रिलेटिव डिप्रिवेशन का भी कहा था, जो हम कंपेरेटिवली देखते हैं दूसरे के कंपेरिजन में हमारे पास क्या कमियां हैं, दूसरे के कंपेरिजन में हमें किन चीजों को डिप्राइव किया जाता है. डिस्पाइट एब्सोल्यूट
कंटिन्यूड प्रोग्रेस इन सोसाइटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनइक्वालिटीज रिलेटिव डेप्रिवेशन ऑलवेज रिमेन्स देयर. मार्क्सिस ने क्या कहा था, ये अनइक्वल नेचर ऑफ सोसाइटी की वजह से. नेक्स्ट टॉपिक हमारा थियोरीज वाला है. मैंने सोचा था कि आज कवर करेंगे थियोरीज भी, बट आई गेस ये ज्यादा हो जाएगा. वी विल स्टॉप इट हियर. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थियोरीज एंड होप कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर वाइंड अप कर सकें. तो टिल द टाइम अप टू न्यू वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, डू शो लव टू दिस चैनल, सब्सक्राइब, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक, कॉमेंट. बाय बाय.